खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां करीब 15 साल पुराने चक्का जाम के मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को जिला और सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है। बता दें कि 2007 में ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक दुर्घटना में युवक की मौत हो गई थी। मामले में मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेसी नेता के रूप में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चक्का जाम किया था। इस मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उन सभी पर बलवा पथराव और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने बुधवार को फाइनल सुनवाई के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर को शास्य के आधार पर बरी कर दिया। साथ ही 3 आरोपियों को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा भी सुनाई है। वहीं 1 आरोपी के मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। न्यायालय में इस फैसले को लेकर ऊर्जा मंत्री तोमर ने न्यायालय के प्रति अपना आभार जताया है। कुशवा समाज का नवयुवक शांत हुआ था, उसको लेकर एक मामला था कि उसको उस समय उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले। इन सब बातों के लिए कोई मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट को लेकर के चक्का जाम वगैरह का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें आज न्यायालय ने मुझे निर्दोष साबित किया है। मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान